डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और आज हम इसका एयर देखने जा रहे हैं 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जॉब कॉस्ट रिकॉर्ड्स यील्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। द कंपनी हैज अ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कंपनी जो है वो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करती है। ये बात मैं आप लोगों को शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम बेसिकली कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। ये आपके सामने एक बहुत बड़ा सा टेबल दिया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें बस इसी टेबल से देखते हुए यूज करनी है। पहले कॉलम में लिखा हुआ है जॉब नंबर, यानी कि टोटल 1 से लेकर 8 तक की जॉब्स हैं हमारे पास। डेट, जो एक्चुअल जो हमारा काम है वो सिर्फ डेट से काम है कि कौन सी जॉब किस डेट पर स्टार्ट हुई है, किस डेट पर फिनिश हुई यानी किस डेट पर तैयार हुई है, और आपने उसे किस डेट पर सोल्ड किया है यानी बेचा है। उसके बाद लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब एट जून 30, यानी जून 30 तक किन किन जॉब्स पर कितने कितने पैसे लगे हुए थे, ये उसकी इन्फॉर्मेशन। और अगले कॉलम में लिखा हुआ है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडेड इन जुलाई, जुलाई के महीने पे आपने किस किस जॉब पर पैसे लगाए, यानी जून में किस किस जॉब पर पैसे लगे और जुलाई पर आपने किस किस जॉब पर पैसे लगाए हैं, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। रिक्वायरमेंट में क्या कहते हैं आपसे, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एट जून 30 एट जुलाई 31, यानी आपको वर्क इन प्रोसेस बताना है, यानी वो माल बताना है जो कि प्रोसेस में हो। किस डेट पर 30 जून को जो माल प्रोसेस में है वो बताना है, और 31 जुलाई को जो माल प्रोसेस में है वो भी बताना है। इसी तरीके से आपको बताना है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, यानी जो माल आपके पास तैयार मौजूद है। देखिए, इन्वेंट्री कहते हैं बचे हुए माल को। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री यानी वो माल जो आपके पास तैयार रखा हुआ है, किस डेट पर, जून 30 पर और जुलाई 31 पर। तीसरी में कह रहे हैं आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर जून एंड जुलाई। गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो माल आपने बेच दिया, जो माल आपने बेच दिया उसकी कीमत हमें बतानी है किस महीने की, फॉर जून एंड जुलाई। यहाँ पर 30 जून नहीं लिखा हुआ बल्कि फॉर जून, यानी पूरे महीने में, जून के महीने में जो आपने जॉब्स बेची हैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, और जुलाई के महीने में आपने जो जॉब्स बेची है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है मेक समरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स फ्रॉम द वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश गुड्स फॉर जून एंड जुलाई। यानी आपको इतनी लंबी अंग्रेजी लिखने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं वो कि जो भी माल जून और जुलाई के महीने में आपने फिनिश किया है, तैयार किया है, आपको उसकी एंट्री बनानी है। तो पहले तो ये जानना होगा कि जून और जुलाई में हमने कौन कौन सी जॉब्स तैयार की हैं, और फिर हमें उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। लास्ट रिक्वायरमेंट में आपसे कहते हैं रिकॉर्ड द सेल ऑफ जॉब नंबर 4 फॉर रुपीज 850। आपने जॉब नंबर 4 जो सेल की है आपको उसकी एंट्री भी रिकॉर्ड करनी है। तो जाइए, आइए जरा मेरी कुछ बातें पहले समझ लेते हैं और फिर सवाल की जानिब चलते हैं। ये टेबल मैंने दोबारा से कॉपी कर दिया क्योंकि इस टेबल के बिना मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं समझा पाऊंगा। देखिए, आपके सवाल में सबसे पहले उन्होंने जो कहा था, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ही थी कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आपको मालूम करनी है जून 30 और जुलाई 31 पर। तो हमें क्या मालूम करना है, कंप्यूटेशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। पहले हम किस डेट पर मालूम करने जा रहे हैं, जून 30 पर, यानी 30 जून को जो माल प्रोसेस में है हम वो मालूम करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। देखिए, वो आपसे कह रहे हैं वर्क इन प्रोसेस, जो माल प्रोसेस में है, किस डेट पर, जून 30 को, यानी जून 30 को जो माल अभी प्रोसेस में यानी कि तैयार नहीं हुआ आपको वो बताना है। आइए जरा मेरी बात को समझिएगा। अगर आपको वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट करना है, अगर आप वर्क इन प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो आप देखिएगा कि माल किस डेट पर स्टार्ट हुआ, यानी जॉब किस डेट पर स्टार्ट हुई और किस डेट पर कंप्लीट हुई यानी फिनिश्ड हुई। यानी वर्क इन प्रोसेस मालूम करने के लिए आप दो कॉलम्स को कंसीडर करेंगे। वो दो कॉलम्स कौन कौन से हैं, किस डेट पर जॉब स्टार्ट हुई और किस डेट पर जॉब फिनिश्ड हुई, तैयार हुई। सोल्ड वाले कॉलम को देखने की जरूरत नहीं है कब, जब आप वर्क इन प्रोसेस की बात कर रहे होंगे। तो वर्क इन प्रोसेस का मतलब ये है कि माल कब शुरू हुआ और कब तैयार हुआ, इसके बीच में ही किसकी बारी आएगी, वर्क इन प्रोसेस की बारी आएगी। तो जब आप वर्क इन प्रोसेस की बात करेंगे तो आप दो कॉलम्स को कंसिडर करेंगे कि जॉब किस डेट पर स्टार्ट हुई और किस डेट पर फिनिश्ड हुई यानी तैयार हुई। हमें ये बात जाननी है कि 30 जून जब हमारा जून का महीना खत्म हुआ तो उस डेट पर कौन कौन सी जॉब्स हमारे पास प्रोसेस में थी। अच्छा, 30 जून का मतलब यहाँ पर 30 जून की सुबह या 30 जून के दोपहर नहीं है, बल्कि 30 जून का मतलब है कि 30 जून को जब आप अपनी फैक्ट्री बंद करके जा रहे थे रात के वक्त, उस रात के वक्त में कौन कौन सी जॉब जो है वो प्रोसेस में थी। आइए जरा इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जॉब नंबर 1 की। जॉब नंबर 1 आपने शुरू कब की, 26 मई को। स्टार्टेड डेट क्या लिखी हुई इसकी, मई 26। 26 मई को आपने डेट जो जॉब जो है वो शुरू की। फिनिश, तैयार कब हो गई है, 7 जून को ये जॉब जो है वो तैयार हो गई।
अगर ये जॉब 7 जून को तैयार हो जाती है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है 7 जून को, यानी कस्टमर आया, कस्टमर ने आपसे फोन करके पूछा भाई मेरा माल कब तैयार होगा, आपने बोला 7 जून को आपका माल तैयार पड़ा हुआ है, 7 जून को उसका माल तैयार हो गया, तो क्या 30 जून को, यानी जब जून का महीना एंड होगा, तो क्या 30 जून को ये जॉब नंबर वन प्रोसेस में होगी या नहीं होगी? तो जवाब इसका ये है कि नहीं, 30 जून को ये प्रोसेस में नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रोसेस का मतलब होता है जो माल अभी तैयार नहीं हुआ, यानी यूं कह लीजिए 30 जून को क्या ये माल तैयार हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो हम इसे वर्क इन प्रोसेस में शामिल करेंगे, लेकिन अगर 30 जून से पहले ही तैयार हो गया तो इसका मतलब ये माल 30 जून को प्रोसेस में नहीं है। तो देखिए ये माल कब तैयार हो गया, 7 जून को ही ये माल क्या हो गया, तैयार हो गया। अगर 7 जून को ये जॉब नंबर वन तैयार हो गई है तो इसका मतलब 30 जून को ये प्रोसेस में नहीं हो सकती। तो जॉब नंबर वन छोड़ दीजिए, जॉब नंबर टू पर आते हैं। जॉब नंबर टू कब शुरू हुई, 3 जून को शुरू हुई, और तैयार कब हो गई है, 12 जून को ये तैयार हो गई, यानी 12 जून को ये वाला माल क्या हो गया, तैयार हो गया। अगर 12 जून को जॉब नंबर 12 तैयार हो गई तो ये जॉब भी 30 जून को प्रोसेस में नहीं हो सकती, क्योंकि 30 जून से पहले ये जॉब क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। हमें तैयार नहीं मालूम करनी, बल्कि हमें क्या मालूम करनी है, जो जॉब अभी प्रोसेस में। जॉब नंबर 3 पर आइएगा, जॉब नंबर 3 कब शुरू किया आपने, जून 3 को शुरू की, और ये तैयार कब हुई, जून 30 पर ये जॉब तैयार होती है, 30 जून को तैयार हो रही है। अच्छा, जो डेट यहाँ पर लिखी हुई उसी डेट पर तैयार हुई है, लेकिन बात ये कि 30 जून को जब ये जॉब तैयार हुई होगी तो 30 जून को ये कब तैयार हुई, या तो दोपहर में तैयार होगी, या सुबह तैयार होगी, या शाम तक तैयार होगी, यानी फैक्ट्री बंद करने से पहले ये जॉब क्या हो चुकी होगी, तैयार हो चुकी होगी। अगर फैक्ट्री बंद होने से पहले ये जॉब तैयार हो चुकी है, तो जब आप फैक्ट्री बंद करके ताला लगा के उस पर जा रहे होंगे, क्या उस वक्त ये जॉब प्रोसेस में है या नहीं है? देखिए 30 जून का यहाँ पर मतलब है जब आप फैक्ट्री बंद करके ताला लगा कर जा रहे हैं, क्या उस वक्त जॉब प्रोसेस में है या नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, उससे थोड़ी देर पहले ये जॉब क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो 30 जून को ये जॉब प्रोसेस में नहीं है, 30 जून को ही ये जॉब क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो तीन जॉब्स की बात अभी हमने की, तीनों जॉब अभी 30 जून को हमारे पास प्रोसेस में नहीं हो सकती। जॉब नंबर 4 पर आते हैं, जॉब नंबर 4 आपने शुरू की, कब शुरू की, 17 जून को आपने शुरू की, और तैयार कब हो रही है, ये 24 जुलाई को ये जॉब तैयार हो गई, यानी 17 जून को आपने काम करना शुरू किया, जून 17 तारीख गुजरी, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30 तारीख गुजरी, फिर जुलाई का महीना भी शुरू हो गया, जुलाई के महीने में जाकर ये जुलाई की 24 तारीख को ये जॉब तैयार होती है। तो जब जून 30 आया होगा, और जून 30 को अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जॉब नंबर 4 30 जून को तैयार है या 30 जून को वो प्रोसेस में है, तो आपका जवाब ये होगा कि 30 जून को वो जॉब अभी प्रोसेस में है, क्योंकि ये जॉब जून में तैयार नहीं हुई बल्कि जुलाई में जाकर तैयार हो रही है। इसका मतलब 30 जून को ये जॉब जो है वो आधी प्रोसेस में, सॉरी, इसका मतलब ये कि 30 जून को ये जॉब जो है वो तैयार नहीं हुई, इसका मतलब अभी जॉब जो है वो प्रोसेस में है। तो 30 जून को जॉब नंबर 4 एक जॉब हमें मिल गई जो कि प्रोसेस में है। कौन सी जॉब प्रोसेस में है, जॉब नंबर 4 प्रोसेस में। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिएगा मैंने ऑरेंज कलर से इसको हाईलाइट किया कि जॉब नंबर 4 जो है वो 30 जून को प्रोसेस में है। कैसे पता चला, क्योंकि शुरू कब की थी हमने ये जॉब, 17 जून को शुरू की थी, जून में बनाना शुरू की लेकिन जून में तैयार नहीं हुई बल्कि जुलाई में जाकर तैयार हो रही है। इसका मतलब ये है कि जून जो ये जॉब जो है जॉब नंबर 4 जून के महीने में ये प्रोसेस में है। इसी तरीके से आएगा जॉब नंबर 5 पर। जॉब नंबर 5 देखिए शुरू कब हो रही है, 29 जून को शुरू हो रही है। अगर 29 जून को शुरू हो रही है तो तैयार कब हो रही है, ये भी देख लीजिए, तैयार कब हुई है, 29 जुलाई को तैयार हुई, यानी पूरे पूरे एक महीने बाद ये तैयार हुई। अगर 29 जुलाई को तैयार होती है तो क्या 30 जून को ये वाली जॉब प्रोसेस में होगी या तैयार हो चुकी होगी? तो इसका जवाब यह है कि 30 जून को ये वाली जॉब भी प्रोसेस में होगी, क्योंकि आपने कब शुरू की, 29 जून को बनाना शुरू की, 29 जून के बाद क्या डेट आई होगी, 30 जून आई होगी, और 30 जून को ये माल तैयार नहीं हुआ, क्योंकि माल कब तैयार हो रही है, 29 जुलाई को तैयार हो रहा है। इसका मतलब ये वाली जॉब जो है वो तैयार नहीं हुई। कब तैयार नहीं हुई, 30 जून तक ये जॉब तैयार नहीं हुई। अगर 30 जून तक ये जॉब तैयार नहीं हुई, इसका मतलब ये कि 30 जून को ये जॉब कहाँ पर है, प्रोसेस में। और हमें भी ये मालूम करना था कि 30 जून को कौन कौन सी जॉब्स प्रोसेस में है, तो जॉब नंबर 5 जो है वो 30 जून को प्रोसेस में है, तो मैं ऐसे भी हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आते हैं जॉब नंबर 6 पर। जॉब नंबर 6 देखिए शुरू कब हो रही है, जॉब नंबर 6, 7 और 8 तीनों एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जॉब नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों जॉब्स किस डेट पर स्टार्ट हो रही हैं, जुलाई के महीने में शुरू हो रही हैं, जुलाई 8, जुलाई 23 और जुलाई 30। जब तीनों जॉब जुलाई के महीने में आपने बनाना शुरू की, यानी जुलाई के महीने में आपने इस पर काम करना शुरू किया, तो क्या 30 जून को ये जॉब प्रोसेस में हो सकती है, ये माल प्रोसेस में हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, कि जब माल ही हमने जुलाई के महीने में बनाना शुरू किया है तो 30 जून को ये माल प्रोसेस में कैसे हो सकता है? प्रोसेस में तो उस वक्त होता है जब हम माल को बनाना शुरू करते हैं और वो माल तैयार ना हो, लेकिन माल हमने जून में बनाना ही शुरू नहीं किया। जब जून में बनाना शुरू नहीं किया तो जून में ये प्रोसेस में भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जून के महीने में सिर्फ 2 जॉब्स प्रोसेस में है,
कौन कौन सी जॉब प्रोसेस में है, जॉब नंबर 4 और जॉब नंबर 5। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं जॉब नंबर 4 जो 30 जून को प्रोसेस में है। अच्छा, जॉब नंबर 4 जो 30 जून को प्रोसेस में है उसका अमाउंट कितना है। देखिए हम 30 जून की बात कर रहे हैं तो 30 जून का उसका अमाउंट देखना है। 30 जून पर उस पर कितने पैसे लगे हुए हैं, 200 रुपए। बाकी 500 रुपए उस पर जुलाई के महीने पे लगे हुए हैं। हमें जुलाई तक बात नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ जून तक की बात करनी है कि जून तक कितने पैसे उस पर प्रोसेस में लगे हुए थे। तो जॉब नंबर 4 पर 30 जून तक सिर्फ कितने रुपए लगे हुए थे, 200 रुपीज। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जॉब नंबर 4 200 रुपीज। इसी तरीके से जॉब नंबर 5 पर 30 जून तक कितने पैसे लगे हुए थे, 400 रुपीज। जॉब नंबर 5 400 रुपीज। बस ये दो जॉब प्रोसेस में थी, इनका टोटल कर लीजिए। तो टोटल करने के बाद ये कितना बनता है, 600। यानी 30 जून को दो जॉब्स प्रोसेस में है, जॉब नंबर 4 और 5, और उनकी कीमत कितनी बनती है, 600 रुपीज। अब हम आते हैं फिर दोबारा से वर्क इन प्रोसेस पर, और अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जुलाई 31 पर। यानी वो जॉब जो 31 जुलाई को प्रोसेस में है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो देखिए जॉब नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहां तक जुलाई की बात नहीं आई थी। अब आगे से बात करने जा रहे हैं, यानी जॉब नंबर 6 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जॉब नंबर 6 आपने स्टार्ट कब की, 8 जुलाई को आपने बनाना शुरू की, और तैयार कब हो गई है, 12 जुलाई को तैयार हो गई। अगर 12 जुलाई को जॉब नंबर 6 तैयार हो जाती है तो क्या 31 जुलाई को जॉब नंबर 6 प्रोसेस में होगी या नहीं होगी। तो जवाब इसका है कि नहीं, 31 जुलाई से पहले ही जॉब नंबर 6 क्या हो गई है, तैयार हो गई। अगर पहले ही तैयार हो गई 31 जुलाई से, तो इसका मतलब 31 जुलाई को जॉब नंबर 6 प्रोसेस में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तो छोड़ दीजिए। जॉब नंबर 7 पर आइएगा। जॉब नंबर 7 कब शुरू किया आपने, 23 जुलाई को शुरू की, और तैयार कब हो रही है, ये 6 अगस्त पे तैयार हो रही है। 23 जुलाई को बनाना शुरू की, लेकिन माल तैयार कब हो रहा है, अगले महीने में, यानी अगस्त के महीने में माल जाकर तैयार हो रहा है। अगर अगस्त के महीने में माल तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्या 31 जुलाई को, यानी जब 31 जुलाई आया होगा, तो क्या जॉब नंबर 7 तैयार हो चुकी होगी या प्रोसेस में होगी। तो इसका जवाब यह है कि 31 जुलाई को जॉब नंबर 7 तैयार नहीं हुई, बल्कि 31 जुलाई को ये जॉब कहां पर होगी, प्रोसेस में होगी, क्योंकि ये जुलाई के महीने में नहीं बल्कि उसके बाद जाकर, यानी अगस्त में जाकर तैयार हो रही है। तो एक और जॉब हमें प्रोसेस में मिली जो कि जुलाई के महीने में है, कौन सी, जॉब नंबर 7, जिसको मैंने हाईलाइट किया ब्लू कलर से, देख लीजिएगा। इसके बाद जॉब नंबर 8 पर आइएगा। जॉब नंबर 8 आपने शुरू की है 30 जुलाई को, और ये तैयार कब हो रही है, 22 अगस्त को। अगर 30 जुलाई को आपने शुरू की और 22 अगस्त यानी अगले महीने जाकर अगर तैयार हुई, तो इसका मतलब ये है कि 31 जुलाई को ये वाली जॉब भी तैयार नहीं हुई, 31 जुलाई को ये वाली जॉब भी प्रोसेस में पड़ी हुई है। कौन सी जॉब है, जॉब नंबर 8। तो एक और जॉब हमें प्रोसेस में मिली 31 जुलाई को, कौन सी जॉब है, जॉब नंबर 8। तो दो जॉब्स मिली जो कि जुलाई के महीने में प्रोसेस में है, जॉब नंबर 7 और जॉब नंबर 8। देखिए जॉब नंबर 7 के पैसे कितने लिखे हुए जुलाई के महीने में, 300 रुपीज। तो मैंने लिखा जॉब नंबर 7, पैसे लिखे मैंने इसके 300। जॉब नंबर 8 के पैसे कितने लिखे हुए, 2900। तो मैंने भी लिखा जॉब नंबर 8 2900 रुपीज। दोनों को टोटल कर लीजिए। तो जुलाई के महीने में जो जॉब्स प्रोसेस में, यानी वर्क इन प्रोसेस जुलाई 31, उसका अमाउंट कितना बनता है, 3200 रुपीज। ये हमने वर्क इन प्रोसेस मालूम किया जून और जुलाई के महीने का। अब हम फिनिश गुड्स मालूम करने जा रहे हैं जून और जुलाई के महीने का। दोबारा से मैंने टेबल आपके सामने कॉपी किया। सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि हमें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री मालूम करनी है जून 30 पर। देखिए पहले ये बात समझेगा कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से क्या मुराद है। आमतौर पर फिनिश गुड्स से ये बात समझ जाती है कि फिनिश गुड्स का मतलब होता है वो माल जो तैयार हो जाए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से मुराद होती है जो माल तैयार होने के बाद आपके पास बच जाए, यानी माल तैयार किया और तैयार करने के बाद आप उसे बेच नहीं सके, बल्कि आपके पास अभी भी वो आपके पास मौजूद अगर है, तो ऐसे माल को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, यानी ऐसा तैयार माल जो आपके पास मौजूद है, रखा हुआ है। किस डेट पर रखा हुआ है, 30 जून को आपके पास रखा हुआ है, वो हमें बताना है, बस इतनी सी बात है। तो आइए जरा इसको समझते हैं कि अगर हमें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री मालूम करनी है तो हम कौन से कॉलम्स को देखेंगे। तो आप दो कॉलम्स को देखिएगा, एक जिस डेट पर माल फिनिश्ड हुआ उस कॉलम को देखिएगा, और एक जिस डेट पर आपने उसे सोल्ड किया यानी बेचा। यानी स्टार्ट वाला कॉलम आप इग्नोर कर देंगे, स्टार्ट वाले कॉलम को हम कंसीडर कब कर रहे थे, जब हम वर्क इन प्रोसेस की बात कर रहे थे। लेकिन फिलहाल हम फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, तो फिनिश गुड्स के लिए दो कॉलम्स को कंसीडर कीजिएगा, एक फिनिश गुड्स के कॉलम को कंसीडर कीजिएगा और दूसरा सोल्ड के कॉलम को कंसीडर कीजिएगा। आइए जरा देखते हैं। देखिए हमें जहन में रखिएगा, हमें मालूम क्या करना है, जो माल तैयार रखा हुआ है हमारे पास, इन्वेंट्री का मतलब जो रखा हुआ है, फिनिश गुड्स का मतलब तैयार, जो तैयार माल हमारे पास रखा हुआ है, कब रखा हुआ है, 30 जून को रखा हुआ है, यानी बिका नहीं, 30 जून को भी हमारे पास हमारी फैक्ट्री में मौजूद है, हमें वो बताना। जॉब नंबर 1 पर आते हैं। जॉब नंबर 1 देखिए फिनिश कब हुई, तैयार कब हुई, 7 जून को तैयार हुई, और बेच कब दिया आपने, 9 जून पर बेच दी, यानी जिस महीने तैयार हुई उसी महीने आपने उसे बेच दी। तो क्या 30 जून को जॉब नंबर 1 हमारे पास रखी हुई है,
है या उससे पहले भेज दी? तो जवाब इसका है कि सर 30 जून से पहले ही हमने उसे भेज दिया, यानी 9 जून को अगर हमने उसे भेज दिया तो हमारे पास ये वाली जॉब तैयार नहीं रखी हुई, हम इसे बेच चुके हैं। जॉब नंबर टू पर आते हैं। जॉब नंबर टू तैयार कब हुई? 12 जून को। बेच कब दी हमने इसे? 13 जून को, यानी एक दिन बाद ही हमने इसे बेच दिया। अगर 13 जून को हम इसे बेच चुके हैं तो ये भी हमारे पास 30 जून को मौजूद नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले 30 जून से पहले ही आप इसे क्या कर चुके हैं? बेच चुके हैं। जॉब नंबर थ्री पर आइएगा। जॉब नंबर थ्री तैयार कब हुई? 30 जून पर तैयार हुई। अगर 30 जून पर तैयार हुई तो देखिए बेची कब आपने इसे? आपने इसे बेचा है जुलाई 1 को बेचा है। अगर जुलाई 1 को यानी अगले महीने में आप इसे जाकर बेचते हैं तो क्या 30 जून को जॉब नंबर थ्री आपके पास तैयार रखी हुई है? तो इसका जवाब है जी सर बिल्कुल रखी हुई है, क्योंकि हमने इसे 30 जून को नहीं बेचा, 30 जून से पहले नहीं बेचा, बल्कि 30 जून के हमने इसे बाद बेचा, यानी अगले महीने जुलाई के महीने में बेचा। यानी जब 30 जून की डेट आई होगी और जब हमने अपनी फैक्ट्री खोली होगी तो 30 जून को ये हमारे पास मौजूद होगी, रात के 12 बजे तक ये हमारे पास जॉब मौजूद है, हमने इसे 30 जून पर नहीं बेचा। तो एक ऐसी जॉब हमें मिली जो हमारे पास तैयार रखी हुई है। किस डेट पर तैयार रखी हुई है? 30 जून पर हमारे पास तैयार रखी हुई है। कौन सी जॉब मिली हमें? जॉब नंबर थ्री। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं जॉब नंबर थ्री को ऑरेंज कलर से। जॉब नंबर फोर पर आते हैं। 4, 5, 6 तीनों जॉब पर आता हूं। 4, 5, 6 तीनों जॉब्स जो है वो तैयार कौन से महीने में हुई है? ये तैयार हुई है जुलाई के महीने में। अगर माल तैयार ही जुलाई के महीने में हो रहा है तो क्या 30 जून को ये मेरे पास तैयार रखा हो सकता है? तो इसका जवाब है सर कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं सर, सब जब माल ही जून के महीने में तैयार नहीं हो रहा, जब माल ही जुलाई में तैयार हो रहा है तो हमारे पास जून में कैसे हो सकता है तैयार माल? तो इसका मतलब ये माल हमारे पास जून 30 को तैयार मौजूद नहीं हो सकता। कौन सी जॉब नहीं हो सकती? 4, 5 और 6 नहीं हो सकती, क्योंकि तैयार ही कब हुई है? जुलाई में तैयार हुई। इसी तरीके से 7 और 8 भी तैयार नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तैयार ही कौन से महीने में हो रही है? अगस्त के महीने में फिनिश्ड हुई है। फिनिश कॉलम को देखिएगा, फिनिश कॉलम में क्या डेट लिखी हुई है इसकी? अगस्त की डेट लिखी हुई है। इसका मतलब ये दोनों जॉब्स कब तैयार हुई है? अगस्त के महीने में। जब माल ही अगस्त के महीने में तैयार हो रहा तो 30 जून को हमारे पास तैयार मौजूद नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ एक ही जॉब 30 जून को हमारे पास तैयार रखी हुई है। कौन सी जॉब है? जॉब नंबर थ्री। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जॉब नंबर थ्री, जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,400 रुपये। टोटल कर लीजिएगा, कैलकुलेटर निकालिएगा, कैलकुलेटर पे 2,400 का टोटल कीजिएगा, बड़े ध्यान से कीजिएगा, कोई गलती ना हो जाए। टोटल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? बड़ी मुश्किल से आंसर आया है 2,400। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, जो हमारे पास तैयार माल रखा हुआ है, किस डेट पर रखा हुआ है? 30 जून को। एक ही जॉब रखी हुई है, जॉब नंबर थ्री, और उसकी टोटल कीमत कितनी बनती है? 2,400 रुपये। अब हम आते हैं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पर। अब हमें कैलकुलेट करनी है जुलाई 31, यानी वो माल बताना है जो 31 जुलाई को हमारे पास तैयार रखा हुआ है। आइए जरा देखते हैं। जॉब नंबर थ्री तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जॉब नंबर फोर से देखिएगा। जॉब नंबर फोर तैयार कब हुई, फिनिश्ड कब हुई है? जॉब नंबर फोर तैयार हुई है 24 जुलाई को, और आपने इसे सोल्ड कब किया है? आपने इसे 27 जुलाई को सेल कर दिया। अगर हमने इसे 27 जुलाई को सेल कर दिया है तो क्या 31 जुलाई को ये हमारे पास मौजूद है या नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं, 31 जुलाई से पहले ही हमने इसे क्या कर दिया? सेल कर दिया। यानी जब 31 जुलाई को हम अपनी फैक्ट्री खोलेंगे तो हमें जॉब नंबर फोर नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमने उससे पहले ही उसे क्या कर दिया? बेच दिया। अब आते हैं जॉब नंबर फाइव पर। जॉब नंबर फाइव तैयार कब हुई है? 29 जुलाई को, जुलाई के महीने में तैयार तो हुई, लेकिन बेचा कब हमने इसे? अगस्त 3 पर बेचा। अगर 3 अगस्त को बेच रहे हैं तो जब हमने 31 जुलाई को अपनी फैक्ट्री देखी होगी तो क्या 31 जुलाई को जॉब नंबर फाइव हमारे पास मौजूद होगी या नहीं होगी? तो इसका जवाब है जी सर बिल्कुल होगी, क्योंकि तैयार कब हुई थी? ये जुलाई में तैयार तो हुई थी, लेकिन आप जुलाई में इसे बेच नहीं सके, लॉकडाउन हो गया था, बारिश हो गई थी किसी भी वजह से, लेकिन आपने इसे बेचा कब? अगस्त के महीने में बेचा। यानी 31 जुलाई को जॉब नंबर फाइव आपकी फैक्ट्री में रखी हुई होगी। और हमें भी ये बताना है जो तैयार माल हमारे पास 31 जुलाई को रखा हुआ है वो बताना है। तो जॉब नंबर 5 हमारे पास 31 जुलाई को तैयार मौजूद है। हाईलाइट करता हूं मैं जॉब नंबर 5 को ब्लू कलर से। जॉब नंबर 5 हमारे पास तैयार मौजूद है 31 जुलाई को। जॉब नंबर 6 पर आइएगा। जॉब नंबर 6 कब तैयार हुई? 12 जुलाई को। और बेच कब दिया आपने? 14 जुलाई को बेच दी। अगर 14 जुलाई को बेच दी तो 31 जुलाई को आपके पास ये भी तैयार मौजूद नहीं हो सकती, क्योंकि 31 जुलाई से पहले ही आपने इसे क्या कर दिया? सेल कर दिया। जॉब नंबर 7 और 8 ये दोनों जॉब्स तैयार ही किस महीने में हो रही हैं? अगस्त के महीने में तैयार हुई हैं। जब माल अगस्त के महीने में तैयार हो रहा है तो ये आपके पास 31 जुलाई को मौजूद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माल तैयार ही किस महीने में हो रहा है? अगस्त के महीने में तैयार हो रहा है। और हमें ये बताना था कि जो 31 जुलाई को हमारे पास तैयार रखा है वो बताना था। तो सर 31 जुलाई को हमारे पास तैयार ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये माल तैयार ही कब हुआ है? अगस्त के महीने में तैयार हुआ है। अगस्त से पहले हमारे पास तैयार मौजूद ही नहीं था, तो मौजूद नहीं था तो हम इसे 31 जुलाई में शामिल भी नहीं कर सकते।
तो सिर्फ एक जॉब हमें नजर आई जो 31 जुलाई को हमारे पास तैयार मौजूद है. कौन सी जॉब है? जॉब नंबर 5. 31 जुलाई पर जब वो हमारे पास तैयार मौजूद होगी तो उस पर कितने पैसे लगे होंगे? जॉब नंबर 5 पर देखिएगा कि जॉब नंबर 5 पर जून के महीने में कितने पैसे लगे थे? 400. और जुलाई के महीने में कितने पैसे लगे इस पर? 1600. हम जून की बात नहीं कर रहे, हम जुलाई की बात कर रहे हैं. यानी जुलाई तक जब वो तैयार हुई, बिल्कुल तैयार हो गए, फिनिश, फिनिश का मतलब तैयार. तो तैयार होने के बाद उसकी कीमत क्या होगी? क्या जुलाई की कीमत उसकी सिर्फ 1600 रुपये शामिल की जाएगी? तो जवाब इसका है कि नहीं, तैयार होने के बाद उसकी जो टोटल कीमत होगी वो 2000. 2000 क्यों होगी? क्योंकि जून पर उस पर लगे थे 400 रुपीज और जुलाई में उसमें लगे हैं 1600 रुपीज. यानी जब ये जॉब तैयार हुई होगी तो टोटल जो इस पर पैसे लगे हुए होंगे वो कितने लगे हुए होंगे? 2000 रुपए. और हमें भी तैयार की कीमत बतानी है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जॉब नंबर 5. जॉब नंबर 5 की टोटल कीमत कितनी लिखी मैंने? 2000 रुपए. और एक ही जॉब तैयार मौजूद है हमारे पास 31 जुलाई को, जॉब नंबर 5. टोटल करेंगे तो टोटल इसका कितना बनेगा? 2000 रुपीज ही बनेगा. यानी फिनिश गुड्स जो 31 जुलाई को हमारे पास तैयार मौजूद है वो एक ही जॉब है, जॉब नंबर 5, और उसका अमाउंट कितना है? 2000 रुपीज. सवाल की अगली रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यानी जो गुड्स आपने बेची हमें उसकी कॉस्ट बतानी है. कौन से महीने में? जून के महीने में. यानी पूरे जून में जो आपने जॉब्स बेची हैं हमें वो बतानी है. बड़ी सिंपल सी, बहुत ही आसान सी बात है, इसको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस आपको ये बताना है कि जून के महीने में आपने कौन कौन सी जॉब्स बेची हैं. तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है तो सिर्फ एक कॉलम को देखिएगा. कौन से कॉलम को? सोल्ड के कॉलम को. क्योंकि बात किसकी की जा रही है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की. सोल्ड की बात की जा रही है तो सोल्ड के कॉलम को देख लीजिए. जब आप सोल्ड के कॉलम को देखेंगे तो देखिए जून के महीने में जो जो जॉब्स आपने बेची हैं बस वो बता देनी है. तो देखिए जॉब नंबर 1 कब बेची है आपने? जून के महीने में बेची. हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसे क्योंकि ऐसे हमने कौन से महीने में बेचा है? जून के महीने में बेचा. जॉब नंबर 2 ये किस महीने में बेची आपने? ये भी जून के महीने में बेची. इसे भी मैंने हाईलाइट किया क्योंकि ये जॉब भी हमने जून के महीने में बेची. इसके बाद 3 और 4 और 6 ये हमने किस महीने में बेची? जुलाई के महीने में बेची. हमें बताना ही नहीं है जुलाई के महीने की. फिलहाल हमें किसके महीने की जॉब बतानी है? जो हमने जून में सेल की. तो जून में हमने 2 जॉब सेल की. इसके बाद 5, 7 और 8 ये किस महीने में सेल की हमने? ये हमने अगस्त के महीने में सेल की. हमें अगस्त की भी नहीं बतानी थी, सिर्फ 2 बतानी थी जो जून के महीने में सेल हुई. तो जून के महीने में 2 जॉब सेल हुई, जॉब नंबर 1 और जॉब नंबर 2. तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं जॉब नंबर 1. जॉब नंबर 1 की कीमत कितनी है? 700 रुपीज. जॉब नंबर 2 की कीमत कितनी है? 1700 रुपीज. दोनों का टोटल कर लीजिए, टोटल कितना बनता है? 2400. यानी जून के महीने में जो जॉब्स हमने सेल की हैं वो 2 जॉब्स हैं, जॉब नंबर 1 और 2, और उनका अमाउंट कितना बनता है टोटल? 2400 रुपीज. इसी तरीके से अब हमने ये बताना है कि जुलाई के महीने में हमने कौन कौन सी जॉब सेल की है. तो आइए जरा देखिए उसी कॉलम को, सेल के कॉलम को. जॉब नंबर 3 आपने कौन से महीने में बेची? जुलाई के महीने में. देख लीजिए जुलाई की डेट लिखी हुई है. तो जॉब नंबर 3 हमने जुलाई में सेल की है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसे. जॉब नंबर 4 भी हमने जुलाई में सेल की है क्योंकि किस डेट पर सेल किया आपने इसे? जुलाई 27 पर. तो जॉब नंबर 4 भी मैंने हाईलाइट की, ये भी हमने जुलाई के महीने में सेल की. जॉब नंबर 5 हमने किस महीने में सेल की? देखिए जॉब नंबर 5 हमने अगस्त के महीने में सेल की, और हमें अगस्त के महीने की नहीं बतानी, हमें सिर्फ जुलाई के महीने की बतानी है, छोड़ दीजिए. जॉब नंबर 6 पर आते हैं. जॉब नंबर 6 देखिए किस महीने में सेल किया आपने? जुलाई के महीने में सेल की. तो एक और जॉब हमें मिली जो कि हमने जुलाई में सेल की है, जॉब नंबर 6. जॉब नंबर 7 और 8 कौन से महीने में सेल किया आपने? अगस्त के महीने में सेल की. इसका मतलब जुलाई के महीने में 3 जॉब्स आपने बेची हैं. जॉब नंबर 3 जिसकी कीमत कितनी है? 2400 रुपए. जॉब नंबर 4 जिसकी टोटल कीमत कितनी होगी? 700 रुपीज. 700 कैसे? कि 200 इस पर लगे हुए थे जून के महीने में और 500 लगे इस पर जुलाई के महीने में. तो टोटल जब ये माल तैयार हुआ होगा तो कितने में तैयार हुआ? 700. आप तैयार करने के बाद ही बेचते हैं तो तैयार कितने में हुआ? ये 700 में तैयार हुआ. तो इसकी कीमत भी कितनी लिखी जाएगी? 700 रुपीज. इसी तरीके से जॉब नंबर 6 पर आएगा. जॉब नंबर 6 की कीमत देखिए कितनी लिखी हुई है? 800 रुपीज. तो मैंने यहाँ लिखा जॉब नंबर 6 800 रुपीज. टोटल करें तो टोटल कितना बनता है इसका? 3900 रुपीज. यानी जुलाई के महीने में आपने जो जॉब्स बेची हैं उनकी कौन कौन सी जॉब्स बेची हैं? 3, 4 और 6 बेची है, और उसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो कितनी है? 3900 रुपीज. ये सवाल की जो 3 रिक्वायरमेंट थी, जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए थे शुरू में, ये हमने वो डिस्कस किए. इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी, पहले मैं आपको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ के बता दूं एक बार फिर से, उसके बाद उसकी जानिब चलता हूं. लिखा हुआ था मेक समरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश गुड्स फॉर जून एंड जुलाई. भाई इतनी लंबी सी बात लिखी हुई, मैं आपको मुख्तसरन बता दूं इसका मतलब क्या था. वो आपसे ये कह रहे थे कि आपने जून और जुलाई के महीने में जो भी जॉब्स फिनिश की है, तैयार की है, आपको उसकी जर्नल एंट्री बनानी है. तो तैयार माल की अब बात कर रहे हैं, जो हमने जून में तैयार किया और जो माल हमने जुलाई में तैयार किया, हमें वो बताना है. तो आइए जरा पहले उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं. हमें ये बताना है कि कौन कौन सी जॉब्स हमने जून में तैयार की और कौन कौन सी जॉब्स हमने जुलाई में तैयार की. तो जो माल तैयार करते हैं उसकी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं?
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कौन से महीने में, जून के महीने में। बस सिंपल सी बात है, जो जॉब्स मैंने जून में तैयार की बस मुझे वो बतानी है। तो इसका तरीकेकार क्या है, तरीकेकार देख लीजिएगा। बस ये देखना है आपको कि फिनिश्ड की डेट में, यानी फिनिश कॉलम में जो जून की डेट है, बस वो जॉब जो है वो आपने कौन से महीने में तैयार की, जून के महीने में। देखिए फिनिश कॉलम में क्या लिखा हुआ है, जॉब नंबर वन। जॉब नंबर वन कब तैयार हुई है? सर जून 7 को तैयार हुई। इसका मतलब ये जॉब किस महीने में तैयार हुई, जून के महीने में तैयार की, हाईलाइट किया मैंने इसे। जॉब नंबर टू किस डेट पर तैयार हुई, जून 12 पर तैयार हुई। ये भी कौन से महीने में तैयार हो रही है, जून के महीने में तैयार हो रही है, इसे भी मैंने हाईलाइट किया। जॉब नंबर थ्री किस डेट पर तैयार हुई, जून 30 में तैयार हुई। तो आप इसे क्या कंसिडर करेंगे, ये जून में तैयार हुई या जुलाई में तैयार हुई? सर जून के महीने में तैयार हुई, क्योंकि जून 30 की डेट डली हुई है। तो ये जॉब भी जून के महीने में तैयार हुई, यानी ये तीन जॉब्स जो हैं वो जून के महीने में तैयार हुई। इसके बाद 4, 5, 6 ये कौन से महीने में तैयार हो रही है, जुलाई के महीने में तैयार हुई है। 7 और 8 कौन से महीने में तैयार हो रही है, अगस्त के महीने में तैयार हो रही है। और हमें सिर्फ फिलहाल ये बताना है कि कौन कौन सी जॉब्स जून के महीने में तैयार हुई। तो तीन जॉब्स जो हैं वो जून के महीने में तैयार होती हैं, जॉब नंबर वन, जॉब नंबर टू और जॉब नंबर थ्री। इनकी अमाउंट्स लिख लेते हैं। जॉब नंबर वन का अमाउंट 700, टू का अमाउंट 1700 और थ्री का अमाउंट 2400। इनका टोटल कर लें तो टोटल कितना बनता है, ये 4800। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो गुड्स आपने जून के महीने में मैन्युफैक्चर की, कौन कौन सी मैन्युफैक्चर की, 1, 2 और 3, और उसकी कॉस्ट कितनी बनती है, 4800 रुपीज। इसी तरीके से अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करेंगे जुलाई के महीने में, यानी वो माल जो आपने जुलाई में तैयार किया। तो आइए फिर से फिनिश के कॉलम को देखिएगा। जॉब नंबर फोर आपने कौन सी डेट पर तैयार की, जुलाई के महीने में, यानी ये जुलाई के महीने में तैयार हो रही है, हाईलाइट किया मैंने इसे। जॉब नंबर फाइव किस डेट पर तैयार हो रही है, 29 जुलाई को, यानी ये भी आपने जुलाई के महीने में तैयार की, इसे भी मैंने हाईलाइट किया। जॉब नंबर सिक्स किस डेट पर तैयार हो रही है, जुलाई 12 को तैयार हो रही है, यानी ये जॉब भी आपने किस महीने में तैयार की, जुलाई के महीने में तैयार की, इसे भी मैंने हाईलाइट किया। जॉब नंबर 7 और 8 ये किस महीने में तैयार हो रही है, ये अगस्त के महीने में तैयार होती है। इसका मतलब जुलाई के महीने में सिर्फ तीन जॉब्स तैयार हुई, 4, 5 और 6। तो मैं भी लिखने जा रहा हूँ जॉब नंबर फोर। जॉब नंबर फोर जब तैयार होगी, देखिए तैयार की बात कर रहे हैं, तो जॉब नंबर फोर जब तैयार होगी तो कितने में तैयार होगी, क्या ये 200 में तैयार होगी, या ये 500 में तैयार होगी, या ये 700 में तैयार होगी? तो इसका जवाब ये है कि 200 तो इस पर पहले से लगे हुए थे, जून के महीने में लगे थे। जुलाई पर इस पर कितने पैसे लगे, 500 रुपये लगे। तो जब ये माल तैयार होगा तो आप बोलेंगे सर ये 200 रुपये में नहीं, 500 रुपये में नहीं, बल्कि 700 रुपये में ये वाली जॉब तैयार हुई, क्योंकि इस पर टोटल पैसे कितने लगे, 700। तो जॉब नंबर फोर की टोटल कॉस्ट कितनी आती है, 700। इसी तरीके से जॉब नंबर फाइव की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 2000, क्योंकि पहले से पैसे कितने लगे हुए थे, जून में पैसे कितने लगे इस पर, 400, जुलाई में कितने लगे इस पर, 1600। जॉब नंबर सिक्स पर सिर्फ जुलाई के महीने में पैसे लगे और कितने लगे, 800 रुपीज। तो इसका टोटल कर लेंगे, टोटल कितना बनता है इसका, 3500। तो आपने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर की कौन से महीने में, जुलाई के महीने में, कौन कौन सी जॉब्स मैन्युफैक्चर की, 4, 5 और 6, और उसकी कीमत कितनी बनती है, 3500 रुपीज। ये आपके सवाल की जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी, अभी हमने उसको पूरा नहीं किया, अभी हमने उसकी कैलकुलेशन की। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें जून और जुलाई के महीने की जो जॉब्स तैयार हुई वो बता दें, बल्कि आप उसकी हमें एंट्री रिकॉर्ड करके बताइए, जो माल आपने जून और जुलाई में मैन्युफैक्चर किया यानी तैयार किया। तो आइए जरा इसकी एंट्री देख लेते हैं कि इसकी एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी। जर्नल जर्नल कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। देखिए जून में जो माल तैयार हुआ हमें उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। माल जून में तैयार हो या जुलाई में तैयार हो, जो माल तैयार होता है उसे हम जब जर्नल एंट्री में लिखते हैं तो किस नाम से लिखते हैं, फिनिश गुड्स के नाम से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी माल तैयार हो रहा है, फिनिश गुड्स बढ़ रही है, फिनिश गुड्स जब बढ़ती है तो आप उसे किस साइड पर लिखते हैं, डेबिट साइड पर। तो जून 30 की जो मैं एंट्री बनाने जा रहा हूँ, जून के महीने में जो माल तैयार हुआ मैं उसकी एंट्री बनाने जा रहा हूँ, फिनिश गुड्स की, तैयार माल की। तो एंट्री क्या बनाएंगे आप, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, यानी जून के महीने में जो माल तैयार हुआ मैंने उसकी एंट्री बनाई है, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अमाउंट कहां से लिखा, जो अभी अभी मैंने पीछे कैलकुलेशन की है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, यानी जून के महीने में जो माल तैयार किया उसकी जो कैलकुलेशन की मैंने वहीं से देखकर यहां पर अमाउंट लिखा। तो जून के महीने में जो माल तैयार हुआ था, जॉब नंबर 1, 2 और 3 तैयार हुई थी, उसकी अमाउंट कितनी बन रही थी, 4800 रुपीज। इसी तरीके से जुलाई के महीने में जो माल तैयार हुआ हमें उसकी भी एंट्री रिकॉर्ड करनी थी। तो मैं डेट डाला हूं जुलाई 31, एंट्री क्या रिकॉर्ड की मैंने, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, क्योंकि एंट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी तैयार माल की। और जुलाई के महीने में जो कैलकुलेशन की थी उसका अमाउंट कितना था, 3500 रुपीज। तो मैंने भी यहां पर अमाउंट लिखा, 3500 रुपीज। ये हमने
सवाल की जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी, यानी जो माल तैयार हुआ फिनिश गुड्स जून के महीने में और जुलाई के महीने में, हमें उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, हमने उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दी। दोनों महीनों की अलग अलग रिकॉर्ड करनी थी, अलग अलग रिकॉर्ड कर दी। अब सवाल की लास्ट रिक्वायरमेंट पर आते हैं। देखिए लास्ट रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था रिकॉर्ड द सेल ऑफ जॉब नंबर 4 फॉर रुपीज 850। आपने जॉब नंबर 4 जो सेल की है आपको उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। पहले तो जरा जॉब नंबर 4 के आगे देखिएगा, नहीं पीछे जाकर स्लाइड में देखिएगा या आप अपने क्वेश्चन में देखिएगा। जॉब नंबर 4 हमने किस डेट पर सेल की है? जॉब नंबर 4 हमने सेल की है जुलाई 27 पर, ठीक है। तो हमें एंट्री भी कब बनानी है? जुलाई 27 पर। जिस डेट पर सेल करेंगे जाहिर सी बात है उसी डेट पर एंट्री बनाएंगे। जॉब नंबर 4 आपने सेल की जुलाई 27 पर। जब सेल करते हैं तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि हम दो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, एक एंट्री कॉस्ट की और दूसरी एंट्री सेल की। कॉस्ट के लिए हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट के लिए हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। तो मैं वही एंट्री यहां पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं 27 जुलाई पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। सर ये अमाउंट कहां से देखकर लिख दिया आपने 700, ये तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो देखिए जॉब नंबर 4 जिसकी कॉस्ट कितनी थी 200 प्लस 500, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जॉब नंबर 4 की असल कॉस्ट। चाहे तो जहां पर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन की है वहां जाकर जॉब नंबर 4 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेक कर लीजिएगा। जॉब सिर्फ जॉब नंबर 4 की वो कितनी थी? 700 ही थी। तो जॉब नंबर 4 की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी है? 700 रुपीज। और हमें भी यहां पर पहली एंट्री किसकी रिकॉर्ड करनी होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री रिकॉर्ड की। फिर इसी डेट पर आप सेल की एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 27 जुलाई अकाउंट रिसिवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। दूसरी एंट्री सेल की रिकॉर्ड करते हैं। सेल के लिए क्या एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? आप अकाउंट रिसिवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। और आपके सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने सेल कितने में की है? 850 रुपीज में हमने सेल की है। तो पहली एंट्री आपने कॉस्ट के रिकॉर्ड की यानी असल कीमत की। तो जॉब नंबर 4 की असल कीमत कितनी थी? 700। और दूसरी एंट्री आपने रिकॉर्ड की जिस कीमत पर आपने उसे बेचा, कितने में बेचा आपने उसे? 850 रुपीज में आपने उसे सेल किया। ये सवाल यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, साथ ही साथ ये टॉपिक भी हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। आपके जहन में सवाल के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी बात हो, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।